जहां पर केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस पे तूफान लाई है और सभी लोग केजीएफ 2 का सक्सेस को लेकर बातें करी है। पर दोस्तों आपको क्या पता है, केजीएफ 2 का पीछे छुपा हुआ कहानी, इसका रिकॉर्ड और क्रेज के बारे में। और आज मैं ऐसे ही केजीएफ 2 के साथ जुड़ा हुआ 40 फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद आपको नहीं पता है। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। कुर्बान, जहाँ पर ट्विटर प्रशांत ने रिवील किया है कि जहाँ पर केजीएफ 2 पर रॉकिंग स्टार यश ने अपने डायलॉग खुद ही लिखा है। हाँ दोस्तों, और जहाँ पर वो वायलेंस वाला डायलॉग फैंस के बीच में और क्रिटिक्स के बीच में रहा ह्यूज वायरल। नंबर 2, थिएटर काउंट की बात करूँ तो केजीएफ 2 10,000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज हुआ है और इंडिया का हाईएस्ट स्क्रीन एवर है, यानी कि स्क्रीन काउंट के मामला पर केजीएफ 2 क्या है, एक रिकॉर्ड। नंबर 3, जहाँ पर फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एडिटिंग, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजीएफ 2 का एडिटर सिर्फ और सिर्फ 19 साल का है। हाँ दोस्तों, और एडिटर है उज्जवल कुलकर्णी। नंबर 4, जहाँ पर केजीएफ 2 का फर्स्ट डे इंडियन कलेक्शन रहा 134 कर, और ऐसे करके एक ह्यूज कलेक्शन देकर इंडिया का सेकेंड हाइस्ट ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया है केजीएफ 2। नंबर 5, जहाँ पर रॉकी भाई का माँ को लेकर पूरे केजीएफ का कहानी को दिखाई है और इसे माँ की रोल प्ले किया है अर्चना जोइस। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्चना ने रियल लाइफ पे यश से लगभग 9 साल का छोटा है। नंबर 6, बॉलीवुड का हाइस्ट ओपनिंग फर्स्ट डे कलेक्शन रिकॉर्ड भी केजीएफ 2 का नाम पर है। हाँ दोस्तों, जहाँ पर हिंदी पर फर्स्ट डे 53 करोड़ का कलेक्शन करके केजीएफ 2 पीछे छोड़ दिया है बाहुबली 2, वार और RRR का रिकॉर्ड को। और एक साउथ फिल्म बॉलीवुड पाकर इस तरह का कलेक्शन देकर एक हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड किया है। नंबर 7, जहाँ पर बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त को इसमें अधीरा नाम की मोस्ट ट्रेडेड विलेन की रोल में दिखाई है और उनका कैरेक्टर को थानोस के साथ कंपेयर की गई है। बता दोस्तों, संजय की आर्मोर यानी कि ड्रेस का वेट रहा 25 kg, और ऐसे करके संजय को शूटिंग का हर एक दिन इसी ड्रेस को पहनना पड़ा। नंबर 8, सिर्फ हिंदी बेल्ट नहीं, केजीएफ 2 ने केरला पे 7 crore 20 lakh और कन्नडा पे 40 crore का कलेक्शन देकर हाईएस्ट ओपनिंग वाला फिल्म बन गई है, जहां पर पीछे छोड़ दिया है कन्नडा पे जेम्स और रॉबर्ट फिल्म को, मलयालम पे ओडिया और लूसिफर जैसे फिल्म का रिकॉर्ड को। नंबर 9, जहां पर केजीएफ 2 का BGM एक गूज़बम्प है और केजीएफ 2 का म्यूजिक बॉस रहा रवि बस्टूर। आपको एक बात नहीं पता है कि उन्होंने कोविड के टाइम पे लोहार का काम भी किया था। नंबर 10, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तेलुगु पे अपने फर्स्ट कलेक्शन देकर नॉन तेलुगु हाइस्ट ओपनिंग वाला रिकॉर्ड किया है केजीएफ 2, जहाँ पर तेलुगु पर फर्स्ट कलेक्शन रहा 32 crore। नंबर 11, केजीएफ 1 रिलीज होने से पहले ही केजीएफ 2 का 20% का शूटिंग कंप्लीट हुआ था। हाँ दोस्तों, और जहाँ पर उस वक्त सारे कास्ट क्रू ने डबल शिफ्ट पर काम किया था। नंबर 12, जहाँ पर केजीएफ 2 अपने शुरुआती 2 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 300 crore का मैसिव कलेक्शन देकर 2 दिन में ही केजीएफ 1 का लाइफ टाइम कलेक्शन को तोड़ दिया है, यानी कि यश एक रिकॉर्ड ब्रेकर मॉन्स्टर है। नंबर 13, केजीएफ का डार्क थीम और सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म को एक अलग स्टैंडर्ड पे ले गई है, और इसमें सिनेमाटोग्राफर रहा भुवन गौड़ा, और जब उन्होंने शूटिंग का हर एक दिन अपने शोल्डर पे 40 kg का कैमरा कैरी किया है, और सीरियसली ये काफ़ी शॉकिंग फैक्ट है। नंबर 14, जहाँ पर केजीएफ 2 साउथ का थर्ड हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई है, जहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं बाहुबली 2, नंबर 2 पर आते हैं RRR, और नंबर 3 पर आते हैं नन अदर देन केजीएफ 2। नंबर 15, और जहाँ पर केजीएफ 2 का मेकर्स ने प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए केजीएफ टाइम्स नाम के एक फिक्शनल न्यूज़पेपर भी डिज़ाइन किया था। नंबर 16, जहाँ पर केजीएफ 2 का टीज़र यश का बर्थडे के मौके पर रिलीज़ करने का प्लान था, पर टीज़र का कुछ सीन लीक्ड हो गया था और इसलिए टीज़र को पहले ही रिलीज़ कर दिया गया, और ये टीज़र सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड पे नंबर 1 टीज़र का रिकॉर्ड किया है, और जो 24 आवर के अंदर 78 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। नंबर 17, जहाँ पर केजीएफ 2 का एक सीन पे फॉरेनर को दिखाई है जिम्मी कार्टर। बता दोस्तों, रियल लाइफ में उन्होंने 1977 से 1981 तक USA का प्रेसिडेंट था। हाँ दोस्तों, यानी कि इसमें ड्रेटर प्रशांत ने काफ़ी स्मार्टली केजीएफ 2 का कहानी को ओवरसीज के साथ कनेक्टेड किया है। हैट्स ऑफ प्रशांत नील। नंबर 18,
जहां पर केजीएफ 2 का ट्रेलर भी किया है एक रिकॉर्ड और जो 24 आवर के अंदर 109 मिलियन व्यूज क्रॉस करके इंडिया का नंबर 1 ट्रेलर बन गई है। नंबर 19 जहां पर केजीएफ का लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि ने यंग जनरेशन का है नया क्रश और केजीएफ से केजीएफ 2 बनाने तक श्रीनिधि को लगभग 7 फिल्म का ऑफर मिला था पर उन्होंने सारे फिल्मों को किया है रिजेक्ट। नंबर 20 जहां पर केजीएफ 2 का बजट है 100 करोड़ और जो कनाडा का मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है और इतने कम बजट में इतना बड़ा स्केल में विजुअल प्रेजेंट करना वाकई ही कमाल का है। नंबर 21 जहां पर जार्सी का रिलीज डेट था 14 अप्रैल यानी कि केजीएफ 2 के साथ एक डायरेक्ट क्लैश पे रिलीज होना था पर बाद में मेकर्स ने 1 वीक पोस्टपोन करके जर्सी को 22 डेट पे रिलीज कर रही है। नंबर 22 यश का क्रेजी फैंस ने रॉकी भाई का 100 फीट का एक लार्ज कटआउट बनाई है। नंबर 23 जहां पर क्लैश केजीएफ के नाम से जुड़ा हुआ है जहां केजीएफ 1 के साथ जीरो के साथ क्लैश हुआ था दूसरी तरफ केजीएफ 2 के साथ बीस्ट का हुआ है बिगेस्ट क्लैश और इसे क्लैश का रिजल्ट आप सबको पता है कि दोनों क्लैश में ही केजीएफ किया है बाजीमात। नंबर 24 जहां पे एक सीन पे सारे केजीएफ का लोगों को एक साथ दिखाई है और इसी सीन पर लगभग 1000 आर्टिस्ट शामिल था। नंबर 25 जहां पर केजीएफ 2 का पोस्ट क्रेडिट पे केजीएफ 3 का अनाउंसमेंट की गई है और जिसमें 1979 से 1981 तक स्टोरी को दिखाया जाएगा और सालार ग्लिम्स पे प्रभास को एक रेन फाइट पे नजर आता है यानी कि सालार आएगा अपने रॉकी भाई को रेस्क्यू करने के लिए यानी कि इंडियन हिस्ट्री पे होने वाले है सबसे बड़ा क्रॉसओवर। नंबर 26 जहां पे टीजर का एक सीन पे रॉकी भाई ने सिगरेट को गन से जलाता है और ये सीन उस बात कंट्रोवर्सी का सामना किया था और इसी वजह से मेकर्स को नो स्मोकिंग का वार्निंग भी डालना पड़ा। नंबर 27 और केजीएफ 2 कनाडा का फर्स्ट फिल्म है जिसको ग्रीस पर रिलीज कर दी गई है। नंबर 28 जहां पर केजीएफ 2 का शूटिंग कोलर गोल्ड फील्ड का साइनाइड हिल्स पे की गई है और उस टाइम पे केजीएफ का नेशनल सिटीजन्स पार्टी का प्रेसिडेंट ने कंप्लेन फाइल किया था कि केजीएफ 2 का शूटिंग की वजह से नेचर का डैमेज हो रही है। नंबर 29 जहां पे केजीएफ 2 रिलीज होने से पहले कनाडा का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था केजीएफ 1 और अभी रॉकिंग स्टार यश ने खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़कर कनाडा का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दिया है केजीएफ 2। नंबर 30 जहां पे केजीएफ 2 पे फरमान का डेथ को रिवील्ड नहीं किया ही है क्योंकि फरमान होने वाले है सालार और ऐश्वर्या राव होने वाले है सालार का माँ। नंबर 31 जहां पर केजीएफ 2 पर सभी लोगों ने अनंतनाग को काफी मिस किया है पर एक गुड न्यूज ये है कि उन्होंने केजीएफ 3 का स्टोरी नैरेट करने वाले है। नंबर 32 जहां पर यश प्रशांत और बैकग्राउंड टीम का डेडिकेशन और हार्डवर्क का तारीफ करना पड़ेगा जहां पर केजीएफ 1 और केजीएफ 2 मिला के पूरे केजीएफ के पीछे इन लोगों ने लगभग 8 साल दिया है। नंबर 33 रवीना टंडन की प्राइम मिनिस्टर वाला कैरेक्टर केजीएफ 2 का काफी पावरफुल कैरेक्टर रहा और उनका प्रेजेंस फिल्म को काफी सीरियस मूड पे ले जाता है और थिएटर पे लोगों ने रवीना को देखकर कॉइन थ्रो किया है। नंबर 34 और जहां पर रॉकी भाई सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर टॉप नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने फैंस का दिल में भी टॉप है और जहां पर उनका एक फैन शादी का कार्ड पे उनका एक वायरल डायलॉग दिया है मैरिज 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 आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड बट माई रिलेटिव्स लाइक मैरिज आई कैंट अवॉइड। नंबर 35 और वह फैंस ने रियल पोस्टर की तरह सेंसेशनल डिजाइन भी किया है। नंबर 36 जहां पर केजीएफ 2 का आईएमडीबी रेटिंग है 9.6 out of 10 और जो वन ऑफ द टॉप रेटेड इंडियन फिल्म है। नंबर 37 जहां पर केजीएफ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं और उसी सिलसिले में दूसरा ब्रांड केजीएफ को देकर मार्केटिंग करी है जैसे कि अमूल आरसीबी मैनचेस्टर सिटी से शुरू करके आलू भुजिया और पास तक आपने अपने प्रमोशन किया है डिमांड ब्रो डिमांड। तो सो ये रहा केजीएफ 2 से रिलेटेड कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सो केजीएफ 2 आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।